ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरत त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेति। मित्रों, आज बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। दिनांक 14/9/2018 से दिनांक 21/9/2018 तक कैसा रहेगा हमारी 12 राशियों का भविष्य, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं राशि चक्र की प्रथम राशि अर्थात मेष राशि से। इस सप्ताह शारीरिक अस्वस्थता रहेगी, कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। राशि चक्र की द्वितीय राशि अर्थात कर्क राशि। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, संतान के संदर्भ में किया जा रहा प्रयास सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। राशि चक्र की तृतीय राशि अर्थात मिथुन राशि। इस सप्ताह कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सार्थक होगा, धनोपार्जन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी। राशि चक्र की चतुर्थ राशि अर्थात कर्क राशि। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा, किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी, किसी महिला अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। राशि चक्र की पांचवीं राशि अर्थात सिंह राशि। इस सप्ताह सजगता की आवश्यकता है, कार्यस्थल पर टकराव के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा, माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। राशि चक्र की छठी राशि अर्थात कन्या राशि। इस सप्ताह स्वास्थ्य शिथिल रहेगा, व्यर्थ की उलझने व तनाव रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, सप्ताहांत में सुखद समाचार प्राप्त होगा। राशि चक्र की सातवीं राशि अर्थात तुला राशि। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से उत्तम समय है, सप्ताहांत में मौसमी रोग हो सकते हैं, सचेत रहें। राशि चक्र की आठवीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि। कार्यस्थल में बदलाव के संकेत हैं, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, कार्य से मुक्ति मिलेगी, पड़ोसी या अधीनस्थ कर्मचारी से तनाव मिल सकता है। राशि चक्र की नवीं राशि अर्थात धनराशि। किसी नए उत्तरदायित्व के संभालने का अवसर प्राप्त होगा, आर्थिक योजना को बल मिलेगा, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, शासन सत्ता से सहयोग प्राप्त करने में सफल रहेंगे। राशि चक्र की दसवीं राशि अर्थात मकर राशि। जीवन राशि साथी का सहयोग व सानिध्य प्राप्त होगा, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, आर्थिक योजना फलीभूत होगी, मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, नेत्र विकार या उदर विकार की संभावना है। राशि चक्र की ग्यारहवीं राशि अर्थात कुंभ राशि। इस सप्ताह स्वास्थ्य शिथिल रहेगा, सचेत रहें, ग्रह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, नए अनुबंध प्राप्त होंगे, कोई अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। राशि चक्र की अंतिम राशि अर्थात मीन राशि। इस सप्ताह किसी नई समस्या से सामना करना पड़ सकता है, धैर्य से काम लें, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा, यात्रा या देशाटन के अवसर प्राप्त होंगे और सप्ताहांत में कोई सुखद समाचार मिल सकता है। मित्रों, यह था राशिफल हमारी 12 राशियों का दिनांक 14/9/2018 से दिनांक 21/9/2018 तक। हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।